हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है और आज हम लोग ऐसे बड़े मैन ऑफ गॉड के बारे में देखने वाले हैं जिसका नाम एल्या है। उसको हिंदी में एल्या बोलते हैं, इंग्लिश में एलाइजा बोलते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे फेथ को लेकर चलता है और बड़ी विजय प्राप्त करता है और परमेश्वर उसको तैयार करता है। पहला राजा 19 अध्याय की 9वीं लाइन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा एल्या से क्या बोल रहा है। वहां एक गुफा में जाकर के टिक गया एल्या और यहोवा का यह वचन एल्या के पास पहुंचा, हे एल्या तेरा यहाँ क्या काम, एल्या व्हाट आर डूइंग हियर। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एल्या जो है, अगर हम लोग पहला राजा 18 में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे एल्या बहुत बड़े बड़े माइटी वर्क करता है और बाढ़ के 400 नबियों को हराता है, ऊपर से फायर गिराता है और वो लोग हार जाते हैं और बोलते हैं हाँ यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है और एक मैसिव विक्ट्री करके आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अहाब राजा जो था वहां पर खड़ा रहता है और वो इस सब घटनाओं को परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को देखता है। क्यों? क्योंकि उस समय इसराइल में अपोस्टेट इतने ज्यादा हो गया था, धर्म का त्याग हो गया था, कोई भी यहोवा को मानने वाला सब खत्म हो गए थे। इज़राइल ने सबको मार दिया था, कोई नहीं बचा था, सिर्फ एक एल्या बचा था, ऐसा बाइबल वर्णन बताती है। पहला राजा 17 से अगर 19 तक पढ़ेंगे हम तो अपने घर पे आप स्टडी कर सकते हैं उसके विषय में। और वहां पर एल्या जो है एक बड़ी विक्ट्री करता है, बोलता है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, अगर यहोवा परमेश्वर तो उसकी तरफ आ जाओ, अगर बाल अगर सच्चा परमेश्वर तो बाल की तरफ चले जाओ। वो लोग दुआ करते रहते हैं, कुछ नहीं होता है क्योंकि वहां पर वो सैक्रिफाइस रखता है, ऑफरिंग रखता है और वो वेदी पर फायर परमेश्वर गिरा करके जब एल्या प्रेयर करता है तो प्रूव करता है कि हाँ वही सच्चा परमेश्वर। फायर कहां से आई? आसमान से आई, खुदा यहोवा के नाम से आई। जब एक सिंपल प्रेयर करते हैं और बाल के पुजारी दिन भर प्रेयर करते रहते कुछ नहीं होता, इस तरीके से वो जीत जाता है और वो सोचता है कि बड़ा डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट हुआ, बहुत परमेश्वर यहोवा का बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ, तो लोग इसको देख करके मानेंगे कि हाँ यहोवा ही सच्चा परमेश्वर। लेकिन इसका उलट होता है, लोग बोलते थे हाँ बड़ा आश्चर्यकर्म, बड़ा आश्चर्यकर्म है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े आश्चर्यकर्म करने का मतलब ये नहीं, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म जो दुनिया के लोग देखते हैं जरूरी नहीं कि वो उनका मन बदल जाए। यहाँ ये परमेश्वर का वचन कहना चाहता है। और यहाँ राजा अहाब जो इस सब जड़ का मेन सूत्रधार था, जिसने इज़राइल में यहोवा के नाम का प्रचार करवाना चाहिए था और यहोवा के नाम का उपासना करवाना चाहिए थी, वही जो है यहोवा के विरुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वजह से शादी करता है। इसलिए बाइबल बताती है कि अविश्वासी को विश्वासी से शादी करनी चाहिए और विश्वास बिल्कुल नहीं था। और वहां पर हम देखते हैं कि जब वो एल्या विजय हासिल कर लेता है और वो सोचता है कि सब लोग मान लेंगे, लेकिन अहाब पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वहां पर वो खाना खाने लगता है और वहां पर एल्या जो है परमेश्वर से दुआ करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने 3.5 साल तक, इससे पहले मैंने बताया था कई मैसेज में कि वहां पर 3.5 साल तक मैं नहीं बरसता, पानी नहीं बरसता, क्योंकि अल्लाह दुआ करता है। क्यों दुआ करता है? क्योंकि उनके जो बाल के पुजारी होते हैं वो क्या पानी बरसाने वाला परमेश्वर होता है उनका। लेकिन तो परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू प्रेयर कर और 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा। उसका जब 3.5 साल खत्म हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है, तो अल्लाह आकर के वहां पर दुआ करता है और उसके बाद वो प्रार्थना करता है ताकि वो परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिर उसके बाद पानी की सनसनाहट होती है और बादल आने लगते हैं। अहाब से बोलता है एल्या कि भागो, इज़राइल नीचे रहता है। वो माउंट कार्मेल की घटना है जो मैंने बताई, उसके नीचे इज़राइल होता है, वहां वो लोग भागते हैं। इज़राइल नहीं, इज़राइल, जज़ेरेल इंग्लिश बोलते हैं, वहां भागने लगता है। और जो अहाब है वो रथ से भागता है और एल्या पवित्र आत्मा की सामर्थ से रथ के आगे आगे भागता है और वहां पर जाकर के वो टिक जाता है और वो सोचता है कि अहाब रानी इज़ेबेल से बताएगा जाके क्या बड़े बड़े यहोवा ने आश्चर्यकर्म करे, तो वो भी मन फिरा करके यहोवा को परमिशन मान लेगी। लेकिन यह उलट होता है, वो बाहर नहीं आती है और अपने दूध से बोलवा देती है कि जा तेरा कल प्राण ना ले लूं, अगर तुझे कल मार ना डालू मेरे साथ और बुरा हो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक फियर का आत्मा, एक डर का आत्मा एल्या के अंदर समा जाता है। मसीह प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां डर का आत्मा जब आता है, 2 तिमोथी पहले 7वीं लाइन में लिखा है कि परमेश्वर ने भय की नहीं आत्मा दिया, परमेश्वर को शांत दिमाग और तेज मन और करेज का आत्मा दिया है। और जब भी फियर आता है, जब डिस्करेजमेंट आता है, इज़ेबेल स्पिरिट क्या होती है? एक जेज़ेबेल स्पिरिट होती है जो डर लाती है और शैतान भय देता है। जब तुम डर आता है तो तुम परमेश्वर काम वहां रुक जाता है। यहां हम देखते हैं कि इसके अगर पिछले अध्याय देखेंगे, पहले राजा 17 में वहां पर देखते हैं कि राजा जो एल्या होता है वो पर यहोवा के हर एक वर्ड ऑफ गॉड जब आता है परमेश्वर से वचन आता है उसके अनुसार काम करता है। वहां परमेश्वर से बोलता है करित नाले को चला जाए, चैरित ब्रुक को चला जाता है, वहां चला जाता है। फिर वहां पर उसको कौवे खिलाते हैं और उसको पानी, उसके जो है एक नदी की छोटी सी पतली धारा आती है, वहां पानी पिलाते हैं सुबह सब कौवे, उसको खाना खिलाते हैं। उसके बाद वो जब सूख जाता है 18 महीने बाद, क्योंकि वहां पर एल्या प्रार्थना कर देता है कि 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा,
बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा, तो जरूर सी बात है कि जब एक धर्मी प्रार्थना करता तो पानी नहीं बरसता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो वहां पर करे ताला सूख जाता, कौवे भी आना बंद कर देते, फिर यहोवा का वचन आता, बोलता कि जा सारपत को चला जा, वहां पर एक मैंने विधवा स्त्री को तेरे लिए ठहरा रखा है। फिर सारपत को चलाता है, जरपत को चलाता है। सारपत का मतलब है इंग्लिश में, जरपत का मतलब होता है स्पेंडिंग फर्नेस। वहां पर यहोवा उसको करीत डाले पे परमेश्वर के प्रयोग विजन को सिखाता है, उस पर डिपेंडेंसी सिखाता है कि परमेश्वर के तरीके अलग है। उसके बाद जो है उसको सिखाता है कि स्मेल्टिंग फर्नेस मतलब बर्निंग, जलने आपके ढक उसमें डालता है। यानी कि पहले परमेश्वर उसके अंदर के विल्डर, परमेश्वर उसके उसको विल्डरनेस में ले जाता है, जंगल में ले जाता है, वहां पर उसके सारी दुनियादारी निकालता है। क्योंकि उसको बड़े काम करने होते हैं। कब? बाल के पुजारियों का सामना करना होता है। ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, प्रीफेस बता रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ। वहां पर परमेश्वर को तैयार करता है, उसका तरीकों को सीखने के लिए तैयार करता है, परमेश्वर का वचन आता उसके अनुसार काम करता है, फिर उसका वैसा वैसा वो करता जाता है, एक बार भी वो ना नहीं कहता। और उसके बाद परमेश्वर उसको अपने तरीके बदलता है, फिर 18 महीने बाद बोलता है कि जा विधवा स्त्री पर चला जा। फिर विधवा स्त्री पर जाता, वहां परमेश्वर वहां पर जो सूखे में भी उसको खाना खिलाता, उस सब आप पढ़ के घर में देख सकते हैं। और वहां पर उसके बाद परमेश्वर बोलता कि जा, जब 3 साल हो जाते हैं, 3.5 साल होने वाले होते हैं, तो परमेश्वर बोलता कि जा अहाब को जाके मिल। फिर इसके बाद अहाब, फिर उसके बाद अल्या जो है अहाब के पास जाता है। उसके बाद ये जब विजय हासिल होती है, उसके बाद जो जो जेजेबेल है, इजेबेल जो स्पिरिट है, उसको बोलती कि मैं तुझे मार डालूंगी। यानी कि परमेश्वर का एक एक काम जो रहता है, वो अल्या परमेश्वर का वचन सुन सुन के काम करता, लेकिन यहां पर डर के मारे परमेश्वर के वचन का आने का इंतजार नहीं करता और डर के मारे भागता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि डर और विश्वास दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। या तो आप डर में रहेंगे या तो आप विश्वास में रहेंगे। जैसे मैं बताऊंगा, अगर आप डर को पानी की तरह देख लें, अगर हम डर को पानी में तरह समझ लें और विश्वास को हम अगर तेल की तरह समझ लें, तो अगर तेल और पानी को जब मिक्स करते हैं तो आप देखेंगे तेल जो है वो पानी के ऊपर ऐसे ऐसे लेयर बना देता है और तेल कभी पानी मिक्स नहीं होता है। वैसे ही जो मैंने बोला ना, जो तेल है वो जो ऑयल है वो क्या है, हमारा विश्वास है, और जो पानी है वो क्या है, पानी जो क्या है वो डर है। दोनों मिक्स नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग रहेंगे। यानी कि मैं यही बताना चाहूंगा सिंबॉलिकली कि अगर आप तो डर में रहेंगे, जब डर में रहेंगे तो विश्वास बिल्कुल नहीं रहेगा, अगर आप डर में नहीं है तो आप फेथ रहेंगे, विश्वास में रहेंगे। लेकिन जब डर का आत्मा आता है तो डिप्रेशन आता है और आपको किसी काम में मन नहीं लगता, परमेश्वर का रुक जाता है और परमेश्वर के वचन का भी आप इंतजार नहीं करते। वही कुछ अल्या करता है। अल्या उस माउंट कार्मेल पर रहना चाहिए, वहां पर वो पोस्ट छोड़ करके भागता है, जंगल की तरफ भागता है, विल्डरनेस से भागता है, उल्टी दिशा में भागता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैसिव विक्ट्री होती है, इतना ऊपर एकदम से आपका फेथ लेवल जो अल्या की तरह हम देखते हैं, कभी कभी इतना ऊंचा फेथ रहता है, कभी कभी नीचे फेथ हो जाता है। यानी अल्लाह जिसने 400 बाल के नबियों को हराया, बड़े बड़े आश्रम के राजा से भिड़ गया जाकर के, एक अकेला इंसान, सोचो राजा, किंग राजा अहाब से उड़ नहीं डरता है, और वहां एक छोटी सी इतनी बड़ी विक्ट्री देख के आता, फिर एक छोटी सी धमकी से उड़ करके भागता है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि पहला कुरिन्थियन 12:9 में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने हमको गिफ्ट ऑफ फेथ दिया है, विश्वास का आत्मा दिया है। पुराने नियम हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा आता था, आत्मा जाता था। जैसे हम देखते थे राजा जो दाऊद था, जब 16 साल का था, जब उसके भेड़ के बच्चे को शेर ले जाता था, वो क्या करता था, भेड़ के अपने भेड़ को बचाने के लिए वो शेर के मुंह को फाड़ देता था। यानी कि परमेश्वर के सामने उसको उतरता था बल से, और फिर वो चला जाता था, तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता था। यानी कि परमेश्वर का टास्क देता था। यहाँ पर एल्या को परमेश्वर टास्क दिया, क्या टास्क दिया था, उसके उसे तैयार करता है उसको विल्डरनेस में, फिर उसके बाद वो तैयार करता, फिर उसके बाद वो मैसिव विक्ट्री देखता है, और वो जब टास्क ओवर हो जाता है तो एल्या का फेथ भी पूरा गायब हो जाता है। कभी कभी आप भी देखते हैं अपने जीवन की बहुत बड़े बड़े आशा काम कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े विश्वास की बातें करते हैं, एकदम से आप नीचे हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि बाइबल कहती है कि ये फेथ नहीं है, ये विश्वास का कदम नहीं, ये क्या है, ये ग्राफ चीज जो है परमेश्वर के विश्वास को नहीं दर्शाती। जैसे अगर मैं बताना चाहूंगा, जब जहाज उड़ता है तो आप देखते हैं कि नीचे से ऐसा करके ऊपर उड़ता है, नीचे से जाता है और ऊपर की एलिवेशन, ऊपर की तरफ उत्तरोत्तर जो है सक्सेसिव बढ़ता है। और आप जब देखते हैं, जब जहाज सर्टन हाइट को ले लेता है, फिर वो प्लेन ऐसे उड़ता है। उसके बाद आप जब देखते हैं कि जब बादल आ जाते हैं, जब वो बादलों से होकर गुजरता है, तब देखेंगे वो ऐसे ऐसे करता, शेक करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको जो जहाज कैसे उड़ता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, वो एयर को काट के उड़ता है। और जब उसको एयर नहीं मिलती तो उसको क्या, एयर लेने के लिए वो पायलट क्या करता है, उसको ग्रेविटी में फॉल कराता है, जहाज को ऊपर नीचे करता है, ताकि उसको एयर लिफ्ट मिले और जहाज को उड़ा सके। उसमें ऐसा ऐसा करके शेकिंग होने लगती है एरोप्लेन में, जहाज में,
अगर आप बैठे हो तो अब महसूस कर सकते, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी किलोमीटर में ऊपर से नीचे गिराता फिर ऊपर ले जाता पायलट जहाज को, यानी कि ऐसे कुछ विश्वास के बारे में भी होता है बताना चाहूंगा। यानी कि जो 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 जहाज बादल में जब जाता है तो एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, तो ये फेथ लेवल को नहीं दर्शाता है। यानी किसी दिन आपका फेथ इतना ऊंचा माउंट कार्मेल पे पर्वत पे जब अल्लाह सबको हरा रहा है, इतना ऊंचा विश्वास एकदम से जब एक छोटी सी धमकी आ रही तो नीचे होगा हमारा फेथ विश्वास, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर इस विषय में नहीं बोलता, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा विश्वास प्रोग्रेसिव होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास यू जाकर के यू कांस्टेंट हो जाना चाहिए, शेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा क्या था जो एलिय्याह का विश्वास हिल गया धमकी से, तो मैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय की 9वीं लाइन में, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उनको विश्वास का आत्मा दिया, यानी पवित्र आत्मा को परमेश्वर का विश्वास का आत्मा देता है। दूसरा अगर हम रोमन्स के 12 अध्याय की 3 लाइन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर हमको बीज की तरह हमारे मन में विश्वास डाला है। फिर हम लोग देखेंगे एफिसियन के 2 अध्याय की 7वीं 8वीं लाइन, वहां लिखा हुआ है कोई घमंड न करे, जो तुम्हारा उद्धार है परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह से हुआ है और उसको उसने तुमको विश्वास भी दिया है ताकि तुम विश्वास करके उसमें ईमान लाओ। यानी कि और रोमन्स के अगर 10वें अध्याय की 17वीं लाइन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा कि विश्वास परमेश्वर के मसीह के वचन को सुनने से आता है। यानी कि यहां पर इंसान को काम है ही नहीं है, पिता विश्वास को देने में इन्वॉल्व है, पुत्र विश्वास देने में इन्वॉल्व है और यहाँ पवित्र आत्मा विश्वास देने में इन्वॉल्व है जो हमारे अंदर फेट डालता है। तो यानी कि जो परमेश्वर ने बीज डाला रोमस के 12 के 3 देखेंगे तो वहां लिखा बीज की तरह हमारे अंदर विश्वास डाल दिया गया। जब यीशु मसीह का विश्वास समाचार सुनते हैं, परमेश्वर का गॉस्पेल सुनते हैं, तो हमारे विश्वास का एक बीज जो है यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ इस तरीके कहते हैं, मरकुस के 4 अध्याय की 31 लाइन पढ़ेंगे तो वहां कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा कि हमें परमेश्वर के राज की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बोया गया तो वह उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो बीज है वो परमेश्वर क्या बता रहा है कि बीज है, और परमेश्वर बताता है मरकुस के 11 के 22 23 में, अगर तुम्हारा राई के दाने का विश्वास हो, अगर तू पहाड़ से गया जा समुद्र में गिर जा, अविश्वास मत कर विश्वास कर तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर यहाँ ये नहीं कह रहा है, यहाँ ये यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि तुम्हारा विश्वास बीज की तरह नहीं बना रहना चाहिए। अगर बीज की तरह रहेगा तुम बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं कर सकते, माउंटेन पहाड़ों को तुम हिला नहीं सकते, छोटे विश्वास का बीज लेकर के तुम बड़े पहाड़ को नहीं हिला सकते, नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जब बड़ी प्रॉब्लम, पहाड़ क्या बड़ी प्रॉब्लम है और तुम्हारा विश्वास इतना छोटा सा, इतना बड़ा प्रॉब्लम इतने छोटा विश्वास से आप पहाड़ को नहीं सका सकते, होना उल्टा चाहिए। यानी विश्वास तुम्हारा इतना बड़ा होना चाहिए और जो प्रॉब्लम जो इतनी छोटी होनी चाहिए, तब तुम फूंक मार करके उसको बाहर भेज सकते हैं, उसको समुद्र में डाल सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह यहाँ पर इस मरकुस के 4 अध्याय की 31 लाइन, मरकुस के 4 अध्याय की 30 31 लाइन में यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि हमको जो विश्वास का जो वचन दिया गया, जो विश्वास का बीज दिया गया, उसको हमको बोना है। बोना कैसे? प्रार्थना से और बाइबल पढ़ करके हमको बोना, उसमें मनन करना, फिर उसके बाद हमको विश्वास में जहाज की तरह यूं बढ़ते जाना है ताकि जब कभी बादल आए तो हमको ऐसे से स्ट्रगल ना करना पड़े कि कभी विश्वास हमारा 180 डिग्री हमारा विश्वास बिल्कुल सूरज को छू रहा है, कभी बिल्कुल धरती के नीचे चला गया। यहाँ पर एलिय्याह के साथ कुछ यही हुआ, क्योंकि एलिय्याह 30वीं एलिय्याह एकदम से प्रकट होता बाइबल में और बड़े बड़े आश्चर्य कम करता है, यहोवा उसको तरीके सिखाता है, लेकिन जो विश्वास जो रहता है वो गिफ्टेड फेथ रहता है, परमेश्वर का एकदम गिफ्टेड फेथ रहता है, लेकिन एक प्रोग्रेसिव फेथ जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, जो बीज है बीज के अंदर पावर है, जब बीज मरता है तो बड़ी पावर जनरेट करता है, बड़ी अमाउंट जनरेट करता है, वो एलिय्याह के पास नहीं था। एलिय्याह भागता है डर के मारे, जब एलिय्याह भागता है तो एक दिन की यात्रा करीब 19 किलोमील भागता है और फिर उसका वो वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, फिर बोलता है कि हे यहोवा मेरे प्राण ले ले। लेकिन बाइबल बताती है कि बाइबल के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो यहां पर क्या इंसानी दृष्टि से देखा जाए तो जो बोओगे वो काटे हुए, जो बोओगे वो काटो, क्योंकि यहोवा का एक पोस्ट माउंट कार्मेल पर, एक कार्मेल पर्वत पर जो बड़ी विजय को उसको मिल गई थी और वो परमेश्वर का वचन का वेट कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर का वचन का वेट नहीं करता और भागता डर के मारे, वहां पर परमेश्वर उससे नाराज नहीं होता है। परमेश्वर का यहाँ अमेजिंग ग्रेस हम देखते हैं, यहाँ पर यहोवा अपने स्वर्गदूत को भेजता है और उसको जो है वहां पर उसको खाना खिलाता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन यहाँ ये बोल रहा है कि परमेश्वर हमेशा आपसे हिसाब नहीं मांगता, उसका एक अमेजिंग ग्रेस है, उसका अनुग्रह है कि जब आप गिरते हैं तो भी परमेश्वर संभालने के लिए मैं सरदूत भेजता है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि सरदूत कैसे कैसे काम करते हैं, सरदूत परमेश्वर भेजता और उसको खाना खिलाता है। सो जो वो खाना खिलाता है, जो इसराइली लोग 40 साल तक मन्ना खाते रहे और परमेश्वर ने कभी अपनी कृपा उन पर हटाई नहीं, दिन में बादल खम्भा रात में अग्नि खम्भा लिए चलता रहा, उसने अपनी कृपा कभी हटाई नहीं। यहां पर परमेश्वर अनुग्रह रूपी रूप में उसको अल्लाह को नहीं डांटता है, अल्लाह परमेश्वर का इंतजार नहीं करता है, उसके वचन का इंतजार नहीं करता है। इससे पहले हम देखते हैं फसकिंग 17 में 18 में इंतजार करता है परमेश्वर के वचन के, डर के मारे भागता है, फिर भी परमेश्वर सर्वदूत भेज करके उसको ताकत दिलाता है, फिर बोलता है। फिर उसके बाद दूसरा सेकंड टेस्ट, पहले राजा के 19वीं अध्याय की लाइन में
सातवीं लाइन अगर पढ़ेंगे वहां लिखा, दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसने छू करके अल्लाह कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर एक बड़े काम करने के लिए फिर से उसको एक लेसन सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर को कुछ सिखाना मांग रहा है, वहां पर को फिर से कहलाता है, एक सेकंड टच देता है। अगर आप भी अगर अपनी पोस्ट छोड़ के भाग चुके हैं, अगर अपने कॉलिग से भाग चुके हैं, अगर आप अपने विश्वास से भाग गए, तो यहोवा यूं बताना चाह रहा है कि यहोवा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज ये वीडियो संदेश देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। इब्रानी 13वें अध्याय की 5वीं लाइन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा। मत्ती का 28वें परमेश्वर कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। यानी कि परमेश्वर का ग्रेस है, हम गिरते भी हैं तो परमेश्वर में उठाने के लिए स्वर्गदूत भेजता है, किसी परमेश्वर के सरदूत के रूप में किसी इंसान को भेजता है। परमेश्वर हिसाब नहीं लेता उस समय, परमेश्वर तुम्हें खाना खिलाता है, तुम्हारे फिजिकल नीड को भी वो जानता है। अगर आपको इस समय लग रहा है कि आपको कौन मदद करेगा रुपए की पैसे की, तो याद रखें परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखें, इस मैसेज को याद रखें, इस लाइन को याद रखें कि अगर आपने गलती करी हुई फिर भी परमेश्वर का अमेजिंग ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह करे, धर्मदाय ने हाथ आपको उठाएगा। फिर 40 दिन की यात्रा करके जो है 40 दिन 40 रात तक उस खाने की ताकत पा करके अल्लाह भागता जाता है, और वो माउंट कार्मेल जो उसने अपनी पोस्ट जहां पर यहोवा ने उसको रखा था कि जाके सामना करो मेरे वचन के दया को जो अल्लाह ने तैयार नहीं किया, वहां से वो भाग करके परसों बोलता माउंट होरेब को जाओ। यानी कि माउंट कार्मेल और माउंट होरेब के बीच जो था 192 किलोमीटर की दूरी है, और जो माउंट होरेब है वही माउंट होरेब को माउंट सेनाई भी बोलते हैं, सेनाई पर्वत भी बोलते हैं। माउंट सेनाई जो है उसके नीचे के जो भाग होता है उसको माउंट होरेब बोलते हैं, होरेब पर्वत बोलते हैं, और एक ही जगह है। और ये यहाँ पर जो है कर्मेल पर्वत है जहां पर अल्लाह ने बाल के पुजारियों का सामना किया था, राजा अहाब का सामना किया था, पूरे इज़राइल में जो यहोवा का नाम लेने वाला कोई बचा नहीं था, अल्लाह अकेले लड़कर मुकाबला करता है। यानी कि उसकी जो यात्रा थी 40 दिन 40 रात यात्रा करके वो माउंट होरेब को पहुंचता है। वहां पर परमेश्वर उससे कुछ पूछता है, क्या पूछता है हम लोग देखेंगे। ये माउंट सिनै वही है जहां पर मूसा को, अगर यहां पर हम लोग निर्गमन देखेंगे तो यहां पर यहोवा ने मूसा को नियम दिए, और उसके नीचे ही माउंट होरेब है, होरेब पर्वत है जहां पर अल्लाह को यहोवा बुला रहा है कुछ सिखाने के लिए। परमेश्वर यहोवा ये से पूछा तो यहां पर क्या कर रहा है, लेकिन अल्लाह को देखो यहां मानव की प्रवृत्ति को बताता हूं, क्योंकि यहां पर याकूब की पत्री की अगर हम पढ़ेंगे 5:17 में लिखा है कि अल्लाह हमारे समय दुख दुख का साथी था। यानी कि वो अपने आप को बचाता है। एक इंसान हमेशा देखो अपने आप को डिफेंड करता है, दूसरे को दोष लगाता है। यहां पर भी अल्लाह बोल रहा है कि हे यहोवा देख मैं अपना अकेला ही बचाऊं, और सारे प्रॉफिट को, सारे भविष्यवक्ताओं को, सारे यहोवा के खोजियों को इजाबेल ने किंग आहाब ने मार दिया, और मैंने अकेला वहां डटकर मुकाबला किया, पूरा राष्ट्र बिगड़ गया। जबकि यहां पर यहोवा ने अल्लाह को इसलिए भेजा था ताकि वहां जाए और यहोवा के नाम का प्रचार करे, ताकि लोग मन फिराए और यहोवा की तरफ मुड़े। लेकिन यहां पर वो उन पर सारी दोषारोपण कर रहा है कि मैं ही एक ऐसा सच्चा परमेश्वर का दास बचाऊं, बाकी लोग सब बिगड़ गए हैं, मैं ही सबको सही, मेरे पास सब कुछ बचा सही, बाकी सब लोग झूठे हैं। ये इसको तो हिपोक्रेसी, यानी अक्सर हमेशा अपनी गलती को हम लोग जो परमेश्वर क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है इसका लिटरली ये पूछ रहा है कि तू अपनी पोस्ट छोड़ के क्यों भागा उल्टी दिशा में, मैंने बोला था क्या तुझे भागने के लिए, तुझे वहां डटकर मुकाबला करना चाहिए था। यहाँ पर आत्मकेंद्रता दिखती है, जो अपने को बचाव कर रहा है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है। यहाँ बोलता कि मुझे बड़ी जलन है यहोवा की, बाकी लोग ठंडे पड़ गए हैं, मैं सिर्फ बचाऊं। या अल्लाह अपने आप को देख पाने में सक्षम नहीं था, अल्लाह अपने आप को नहीं देख पा रहा था कि वो किस गलती पे है। यहोवा यही पूछना चाह रहा है कि तू क्या गलती करके आया, तू बता, मुंह से बता। यानी कभी कभी हम जब गलती करते तो हमें यहोवा के सामने, यीशु के सामने अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, हमको रिपेंट करना चाहिए, हाँ ये खुदा बाप मैंने उस बहन से उस भाई से ये गलत काम किया या बोला है, या मैंने ये अपने जीवन के ऐसे भाग में मैं गलती पर हूं। तो परमेश्वर वो सुनना चाहता है, डिफेंडिंग नहीं करना है, हमको खुले मन से परमेश्वर की तरफ जाना है और अपने आप के सॉरी बोलना है। फिर यहोवा बोलता कि निकल करके होरे पर्वत को खड़ा हो, यानी कि सामना कर। और यहोवा पास से होकर चला, यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई, तो भी यहोवा आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा धीमा हुआ शब्द सुनाई दिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं चट्टाने टूटने लगी और धड़धड़ मतलब हवा इतनी तेज आई, परमेश्वर के ने इतनी तेज हवा चलाई गई पर उस चट्टाने टूटने लगे। चट्टाने क्या है? तुम्हारा अविश्वास, जो यहोवा का दास जो है अल्लाह, जो केव गुफा में घुस गया था छुप करके, वहां परमेश्वर अपने पवन भेज करके पूरा हिला रहा है। अविश्वास का जो उसका पहाड़ है वो परमेश्वर उसको तोड़ना मांग रहा है, पूरा हिला दे रहा है उस पहाड़ी को, प्रचंड आंधी चला रहा है। यानी उसके बंधन पूरे खोलना चाह रहा है, उसके बंधन पूरे तोड़ना मांग रहा है। उसके बाद भूकंप आता, भूकंप से यानी उसकी जिंदगी को हिला देना चाह रहा है, उसको वचन से हिला देना चाह रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके फायर आती है। फायर क्या करती है? हमारे घर जिंदगी की इम्प्योरिटीज को खत्म करती है। लेकिन वहां पर लिखा है कि वहां पर परमेश्वर
नहीं था। यानी कि बड़े बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े रॉक बैंड और ये जो फ्लैग लगाकर जो ऐसे मीटिंग्स रहती है उनमें हो सकता है कि यहोवा ना हो। आपको आपको सोलिस, आपको ऊपर से फील गुड, यू कैन फील गुड, तुम्हें अच्छा लगे ये शो देख करके, मैसेज सुन करके, टेम्पररीली आप जो है बहुत स्पिरिट फील्ड हो जाए, आपको लगे मैं बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं, यहोवा मैं बढ़ गया। लेकिन नहीं, दो दिन के बाद फिर वैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आउटर डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो जिंदगी को नहीं बदलता है। मैं यही करूँ वो काम नहीं करता, काम करता लेकिन टेम्पररल रहता है, एक छोटे समय के लिए रहता है। तो यहोवा यही बताना चाह रहा है कि इस बड़े आंधी में, इस बड़े चट्टान के हिलने में और बड़े भूकंप में, आग में यहोवा नहीं था। फिर एक धीमा सा शब्द आता है, स्मॉल स्टिल वॉइस आती है, उसको सुनकर के गुफा से, अविश्वास की गुफा से, रिजेक्शन की गुफा से, भय की गुफा से, अपनी पोस्ट, अपनी कॉलिंग को छोड़ के भाग आने की गुफा से, अपने डिप्रेशन की गुफा से, अपने रिश्तों के तोड़े जाने की गुफा से कौन निकल के आता है? अल्लाह बाहर निकल के आता है। यदि आज अगर आप गुफा में घुस गए, अविश्वास की गुफा में घुस गए, अपने आपको तूने सिमट लिया है और आप कुछ सुनना नहीं चाह रहे, परमेश्वर के वचन से भी आप नहीं सुनना चाह रहे, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो छोटा सा ये वचन है, ये रेमा है, जो रेवलेशन है, एक छोटा सा दबी हुई आवाज है, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, बड़े बड़े वीडियो यूट्यूब चैनल से नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का एक छोटा सा धीमा सा जो परमेश्वर का वचन है वो आपकी जिंदगी को 180 डिग्री बदल सकता है। उसको बोलते हैं रेमा वर्ड ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं परमेश्वर का रिवेलेशन, वो परमेश्वर का जो स्टिल स्मॉल वॉइस, जो जो पवित्र आत्मा टॉर्च मारता है फिर जिंदगी के ऐसे क्षेत्र को जहां पर अंधकार है, वहां परमेश्वर प्रकाश डालना चाहता है, आपको अपनी गलती रियलाइज करना चाहता है, ताकि परमेश्वर क्षमा मांगे और फिर से उसी पोस्ट को, उसी कॉलिंग पर लौट जाए जहां पर यहोवा आपको रखना मांगता है, वहां से शुरुआत करना मांगता है जिस चीज को आपने छोड़ा था। बड़े बड़े दासों की भविष्यवाणियां जो आप लोग भागते रहते भविष्यवाणियों के लिए, दर्शनों के पीछे, मैं परमेश्वर के एक दास होने की तरह आपको बताना चाहूंगा, दास होने के अधिकार से बताना चाहूंगा कि ज्यादा भविष्यवाणियों और ज्यादा दर्शनों में मत उलझे, परमेश्वर का वचन पर ध्यान लगाए, पवित्र आत्मा पर ध्यान लगाए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अल्लाह के साथ यहोवा कितनी दिन रहता है हमको पता नहीं, वहां पर उसको ट्रेन करता है, उसको पूरा बताता है। जैसे हम लोग देखते हैं माउस के मार्ग पर यीशु मसीह दोनों चेलों को सिखाते हैं कि जिसके बारे में जो गाड़ा गया, मारा गया और उन्हें निराश होकर जब जा रहे थे, तो यीशु मसीह उसको समझाते हैं कि ये पहले से लिखा था और ये प्रोफेसी फुलफिल हुई। वैसे ही यहोवा भी अल्लाह को टीचिंग यहाँ बाइबल में लिखा, लेकिन मैं आत्मा रूप से दे सकता हूँ, यहाँ पर यहोवा ने भी अल्लाह को समझाया होगा कि मूसा के समय में भी जब मैं सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 नियम दे रहा था, वहां पर नीचे निकुल लोग बिगड़ गए, जिसका वर्णन निगरमन 32 में आप पढ़ के देख सकते हैं घर पे, वहां पर लोग बछड़ा बना करके बाल देवता की पूजा करने लगते हैं। और वहां पर भी जब मूसा आता है, वो भी पट्टियां तोड़ देता है गुस्से में आकर के, फिर पूछता कि यहोवा की तरफ कौन है, तो वहां पर सिर्फ लेवी गोत्र आते हैं और वहां से लेवी गोत्र की जिंदगी बदल जाती है। और उसके बाद ऐसे तरह के सिलसिले बार उसको पूरा समझाता है, तो पूरा समझाता है यहोवा अल्लाह को। और अल्लाह के अंदर जो है एक जो गिफ्ट ऑफ फेथ था, जो एक काम करने के लिए आता है फिर चला जाता है, वो न भर के एक प्रोग्रेसिव फेथ, जो यीशु मसीह बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य बीज की तरह बोया जाता है तो बड़ा हो जाता है, यानी कि उसका विश्वास को भरता है, बाइबल के वचन को भरता है। अगर आप धीरे धीरे बाइबल के वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज 5 मिनट बाइबल पढ़ी और 2 मिनट प्रार्थना करी, फिर अगले दिन 10 मिनट बाइबल पढ़ी और 5 मिनट प्रार्थना करी, इस तरीके से जब घंटे समय बढ़ाते आते हैं तो आपका जो जहाज है जो वो इलेवेट ऊपर बढ़ने लगता है, आपका विश्वास ऊपर बढ़ने लगता है। फिर जब आप बादली आएगी, जब आप बादल आएंगे, तो उसमें आपका प्लेन शेक नहीं करेगा और एक स्मूथ लैंडिंग करेंगे जीवन में। आप घबराएंगे, आप डर से भागेंगे नहीं उस कॉलिंग से जो परमेश्वर आपको दी है। आप कभी कभी आप फेथ ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, वो हमेशा फेथ। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम पहाड़ को भगाना चाह रहे हो तो बीच के रूपी विश्वास से काम नहीं होगा। पहाड़ को भगाने के लिए आपको विश्वास भी पहाड़ की तरह बनाना पड़ेगा। 100 यानी कि 5% विश्वास तो 5% काम, अगर 10% विश्वास तो 10% काम, अगर 50% फेथ तो 50% काम, अगर 100% फेथ तो 100% काम। फिर इसका जब हम देखते हैं यहोवा उसको ट्रेन करता है, ट्रेन करने के बाद अल्लाह फिर वापस जाता है, फिर यहोवा बोलता है कि वहीं जाओ उसी पोस्ट पे, वहां जाता है। फिर हम लोग बाइबल पढ़ती आके देखते हैं यहोवा उसको 3 काम देता है। आराम का राजा होने के लिए हजाएल का तो अनॉइंट कर। अब देखो यहाँ पर सार्वभौमिकता परमेश्वर बता रहा है, एक प्रॉफिट इज़राइल का है और जो खुद भागा है, वहां पर परमेश्वर बताना चाह रहा है कि राष्ट्रों के राजाओं को गिराने उठाने काम यहोवा का, यानी कि आराम का राजा से कोई मतलब नहीं, यहोवा जो है इज़राइल का परमेश्वर है, लेकिन वो कहां पर हर जगह दखल लगता है, यानी कि परमेश्वर हर जगह काम करता है। वो हमारा परमेश्वर सब शक्तिमान परमेश्वर, हर जगह रहता है, हर कुछ काम कर सकता है। वहां बोलता है कि जा आराम के राजा को चेंज होने के लिए, आराम का राजा को बदल दे, प्रेजेंट राजा उसको हटा करके हजाल को वहां पर राजा बना। और उसके बाद बोलता है कि जेजेबेल ने, इजेबेल ने तुझे धमकाया था, उसको चाह करके बोल कि तू अब खत्म होने वाली है,
उस डर को आत्मा को यहोवा बोलता है कि खत्म होने वाला है, जाके सामना कर। फिर उसका अल्लाह और ट्रेनिंग देता है। फिर उसका बोलता है, तीसरा बोलता है, तू पोस्ट छोड़ के भागा था, अब तू अपनी मिनिस्ट्री किसी दूसरे को दे दे। किसको दे दे? एलिशा को दे दे। अब हम लोग सबको मालूम है कि अल्लाह 7 अक्षर में मरता है और एलिशा 14 अक्षर में करता है, यानी कि परमेश्वर को ट्रेन करता, उसको भरता। उसके बाद हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि अल्लाह 3 काम करता है। यानी कि परमेश्वर आज ये बताना मांगता है, जिस जगह से तुमने छोड़ा है, जो पोस्ट तुमने छोड़ी, जो तुमने मिनिस्ट्री जो भी मिनिस्ट्री थी परमेश्वर तुमको दी और तुमने छोड़ के भाग कर बम घुस गए हो, परमेश्वर बताना मांग रहा है कि वही से शुरुआत करो, यहाँ पर तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष, आइए दुआ करते। प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, होने दो परमेश्वर ये वीडियो संदेश, जो परमेश्वर जो अनअटेंड मैसेज है, जो अभिषेकित वचन है, जो सुन रहे, होने दो उनका जीवन बदल जाए। अगर वो छोड़ के भाग रहे हैं, अगर यहोवा से पीछे हट गए, यीशु से पीछे हट गए, तो पवित्र आत्मा उसकी मदद कर, ताकि उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक से फिर से यीशु के लिए काम करने लगे, और होने दे स्पीडी अनॉइंटिंग उनके जीवन में भर। यीशु के नाम मांगता हूँ सुनर घर का पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।